राजगीर तीर्थ दर्शन। पटना से 101 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर अत्यंत प्राचीन काल से शक्तिशाली साम्राज्यों से संबंधित रहा है। उन साम्राज्यों का आतंक किसी समय सारे भारतवर्ष पर था। पुराने जमाने में राजगीर अनेक नामों से मशहूर रहा है, जिनमें बसुमती, बृदत्तपुर, ग्रीवर्ज और राजगृह खास है। रामायण में जिस बसुमती का जिक्र है, शायद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के चौथे पुत्र राजा बसु के नाम पर है। कहावत है कि ये शहर उसी का बसाया हुआ है। बृहदपुर जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों में आता है, राजा जरासंध के एक वंश के बानी राजा बृहदत्त के नाम पर पड़ा। ग्रीवर्ज नाम पड़ने का कारण यही था कि नगर कुलघाटी ही चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कुशाग्रहपुर कहलाने का कारण या तो बृहदत्त के उत्तराधिकारी राजा कुशाग्रह का नाम हो, या उस खूबसूरत घास के कारण जो इस घाटी में बसे शहर के आसपास बहुत यातायात से पाई जाती है। राजगृह राजाओं का वास तो ऐसे स्थान के लिए मुनासिब है जो सैकड़ों वर्ष तक मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। राजगीर जिन पहाड़ियों से घिरा है उनकी संख्या 5 है। महाभारत में एक जगह उनके नाम वैभार, वाराह, वृषव, ऋषिगिरी और चैतक्य दिए हैं, परंतु दूसरी जगह पंडार, विपुल, वराहक, चैतक और मतंक दिए हैं। पाली लेखों में उसके नाम बैमार, पांडव, वैपुल्य, गुत्कृट और ऋषिगिरी दिया है। आजकल उनके नाम वैभार, विपुल, रत्न, छठ, शैल, उदय और सोना है। ये नाम जैन प्रभाव के कारण पड़े। महाभारत में राजगृह की एक पुरानी कथा है, जबकि वह जरासंध की राजधानी थी। जरासंध अपने जमाने का सबसे शक्तिमान राजा समझा जाता था। एक सैनिकत संधि प्रस्तुत करने के लिए उसने अपनी दो पुत्रियों अस्ति और प्रस्ति का विवाह मथुरा के पराक्रमी राजा कंस के साथ कर दिया। कंस भगवान कृष्ण का मामा था। जब श्री कृष्ण ने कंस को उसके दुराचार के कारण मार डाला, तो जरासंध ने कृष्ण के सजातियों का विनाश करने के लिए कई हमले किए, किंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बार पांडव बंधु भीम और अर्जुन को साथ ले कृष्ण ग्रीवर्ज गए और उनके कहने के अनुसार भीम ने जरासंध से कुश्ती करते समय उसे जांग पकड़कर मार डाला, परंतु जरासंध का वंश कुछ समय तक राज करता रहा। राजा विमिशार अपने अमिताभ बुद्ध बनाने से पहले जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम पहली बार राजगृह गए, तब राजगृह को राजधानी बनाए। राजा विमिशार मगध पर राज करता था। उस समय जिन चार राजाओं उत्तरी भारत में बोलबाला था, उनमें से बिमिसार एक था। बाकी कौशल के राजा प्रसन्नजीत, पत्स के राजा जयन और अवंती राजा प्रद्योत थे। राजगृह तथा जैन एवं बौद्ध धर्म। भारत वर्ष के बिहार राज्य में राजगृह, राजगीर, पंच पर्वत परिविष्ट पावन एवं प्राचीनतम स्थान है। प्रगतिशील पाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक काल में इसे सदियों तक मगध जनपद की राजधानी रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी नगर के सिंहासन से अति प्राचीन काल में ब्रह्मपुत्र, कुश, तनाव, बसु से लेकर महाभारत युग के आरंभ में महाप्राकर्मी जरासंध तथा उसके पीछे उसके प्रतापी वंश एवं ऐतिहासिक युग की ऊसा बेला में हैक्रावसिंह, विजय वीर, बिमिसार और अजात शत्रु ने अपने विशाल साम्राज्य का शासन किया था। इसी राजगृह से नवीन राजधानी पाटलिपुत्र का स्थानांतरण हुआ। जैन एवं बौद्ध धर्मों का विकास और प्रसार इसी राजगृह से हुआ।
यहाँ के स्वतंत्रता चेत्रा बत्तियों का विचार धर्म के विषय में उदार विस्तृत एवं प्रशस्त था। यही कारण है कि राजगृह हिंदू जैन और बौद्ध तीनों का पवित्र तीर्थ स्थान है। मुसलमान संत श्री मखदूम शाह शरफुद्दीन ने लगभग 1234 ईस्वी में विपुल पर्वत के पाद भाग में स्थित श्रृंगकुंड अब मखदूम कुंड के निकट 12 वर्षों तक तपस्या की थी। इसी कारण यह मुसलमानों का भी तीर्थ बना। राजगृह में भगवान महावीर का प्रथम समाशरण। भगवान महावीर को केवल प्राप्ति की विश्व हितकारिणी घटना की शुभ सूचना कुछ विशेष चिन्हों द्वारा सौधर्म इंद्र को प्राप्त हुई। उसने कुबेर को एक सुंदर विशाल वख्याखान सभा मंडप समो शरण बनाने का आदेश दिया। कुबेर ने अपने दिव्य साधनों से अति शीघ्र एक बहुत सुंदर दर्शनीय विशाल समाशरण बनाया जिसके 3 कोट और 4 द्वार थे। द्वारों पर सुंदर मनस्मतम थे। बीच में ऊंची 3 कटनी वाली सुंदर वेदिका गंधकुटी बनी थी। गंधकुटी पर रत्न जटित सुरवर्ण सिंहासन था जिसमें कमल का फूल बना हुआ था। गंधकुटी के चारों ओर 11 विशाल कक्ष थे जिनमें देव देवी मनुष्य स्त्री साधु साध्वी पशु पक्षी आदि उपदेश सुनाने वाले भद्र प्राणियों के बैठने की व्यवस्था थी। मध्यवर्तनी उच्च कंदकुट के सिंहासन पर भगवान महावीर के विराजमान होने की व्यवस्था थी जिसमें उनका उपदेश समस्त सुनने वालों को अच्छी तरह सुनाई पड़ी। उस समय देवों का दुंदुवी बाजा वहां बजने लगा जिसकी मधुर आकर्षक ध्वनि बहुत दूर तक पहुंचती थी। उस ध्वनि को सुनकर समव शरण की वार्ता कानों कान दूर तक फैल गई जिससे भगवान महावीर का दिव्य उपदेश सुनने की उत्कंठा से दूर दूर की जनता चलकर ऋजुकला नदी के तट पर बने समाशरण में पहुंची। इंद्र भी विशाल देव परिवार के साथ पहुंचा और समाशरण की सुव्यवस्था की। समाशरण में महान प्रकाश था जिससे वहां रात और दिन का भेद नहीं जाना पड़ता था। परंतु सारा दिन बीत गया और रात्रि भी समाप्त हो गई किंतु त्रिडण के मुख से एक अक्षर भी प्रकट न हुआ। इसी प्रकार दूसरा तीसरा दिन हुआ किंतु वाणी प्रकट न हुई। भगवान ने विहार कर दिया। विहार के अंतर भगवान जहां ठहरे वहां कुबेर ने पहले जैसा भव्य समाशरण बना दिया। विहार करते करते भगवान महावीर राजगृह के निकट पिपलाचाल पर्वत पर आ वहां भी सुंदर विशाल समाशरण और यथा समय असंख्य श्रद्धा भी वहां एकत्रित हुए। मगर यहां भी त्रिढकार महावीर मौन रहे। महावीर भगवान के इस सिद्धकालीन मौन के मूल कारण पर समाशरण के व्यवस्थापक सौधर्म इंद्र ने गंभीरता से विचार किया। तब अविधिधान से उसे ज्ञात हुआ कि समाशरण में अब तक ऐसा महान प्रतिभाशाली विद्वान उपस्थित नहीं हुआ जो त्रिढाटकर के दिव्य उपदेश को सुनकर उसे अपने हृदय में धारण कर सके और उसको प्राकरणबंद करके श्रोताओं की जिज्ञासा का यथार्थ समाधान कर सके। इस प्रकार का गंधर बनने योग विधान मुनि समाशरण में न होने के कारण दृढ़कार की वाणी मुखरित न हुई। ततांतर उसने अविज्ञान से यह भी जाना कि इस समय इंद्रभूति गौतम त्रिढकार का मना योग्य विधान है किंतु वह त्रिढकार का श्रद्धालु नहीं है। हाँ, यदि किसी प्रकार वह तीर्थ महावीर के संपर्क में आ जाए तो तीर्थ ड्रकार का गणधार बन सकता है। ऐसा विचार कर इंद्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और वह वेदांग के ज्ञाता महान प्रभावशाली विद्वान 500 विज्ञान शिष्यों के गुरु इंद्रभूति गौतम के पास पहुंचा। अनेक उपाय करके इंद्रभूति को अपने साथ समाशरण में ले आया।
क्षमा शरण में प्रवेश कर जैसे ही उसने भगवान के दर्शन किए तो भगवान महावीर की वितार गदा से वह इतना प्रभावित हुआ कि अपना समस्त परिवार ग्रह त्याग कर वही महापर्वती दिवंगर मुनि बन गए। मुनि बनते ही इंद्रभूति को मन पर्याय ज्ञान हो गया। विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर को कैवल्य प्राप्त होने के 66 दिन पश्चात भगवान महावीर का मौन भंग हुआ और मेघ गर्जना के समान दिव्य ध्वनि में प्रथम उपदेश श्रवण कृष्णा प्रतिपदा के दिन प्रारंभ हुआ। विपुलाचल पर्वत पर 4 दिगंबर तथा 1 स्वतंबर मंदिर है। प्रथम मंदिर श्याम वर्ण कमल के ऊपर महावीर स्वामी की चरणा पादुका है। तृतीय में चंद्र प्रभु की चरण पादुका है। अत्यंत ही प्राचीन है। तृतीय जो मध्य में है उसमें चंद्र प्रभु भगवान की श्वेतावर्ण मूर्ति विराजमान है। बगल में ही सन 1548 की श्वेत वर्ण की चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति है। एक अन्य प्राचीन मूर्ति भगवान महावीर की है। चतुर्थ मंदिर की वेदिका में श्वेत वर्ण की भगवान महावीर व श्याम वर्ण की मुनीश्वर्त नाथ की मूर्तियां तथा दूसरी ओर चरण है। रत्नागिरी पर्वत पर पक श्वेतंबर चौमुखी मंदिर है जिसमें श्री शांति नाथ जी, श्री पार्श्व नाथ जी, श्री वशुपूज्य जी तथा श्री नेमिनाथ जी की चरण पदुकाएं हैं तथा एक प्राचीन तथा 2 नवीन दिगंबर मंदिर है। पहले नवीन मंदिर में मुनि सुवर्त स्वामी की श्याम वर्ण की भव्य एवं विशाल प्रतिमा वहां विराजमान है। दूसरे नवीन मंदिर में श्री समुद्र मेघरथ और धनदत्त केवली के 3 चरण युगल विराजमान है। इन तीनों ने यहीं से निवारण प्राप्त किए हैं। उदयगिरी पर्वत पर श्वेतांबर मंदिर श्री पार्श्वनाथ भगवान का है और फेरी में 4 प्रतिमाएं हैं। दिगंबर मंदिर भी 3 है। एक में श्री शांतिनाथ और पार्श्वनाथ स्वामी की प्राचीन प्रतिमाएं एवं भगवान आदिनाथ के चरण चिन्ह है तथा महावीर स्वामी की खंडगासन श्याम वर्ण की प्राचीन प्रतिमा है। आदि प्राचीन मंदिर भग्नाव सेवा अवस्था में है जो आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व खुदाई से निकाला था। यहाँ तीसरे नवीन मंदिर में 6 फुट ऊंची गुलाबी वर्ण की भगवान महावीर की भव्य प्रतिमा विराजमान है। स्वर्णगिरी पर्वत पर 1 सितंबर मंदिर श्री आदिनाथ भगवान की है और 2 मंदिर दिगंबर शाखा के हैं। नए मंदिर में शांतिनाथ स्वामी की श्याम वर्ण की प्रतिमा तथा नेमिनाथ और अतिनाथ स्वामी के चरण चिन्ह है। पुराने मंदिर में भगवान महावीर के नवीन चिन्ह है। व्यवहार गिरी पर्वत पर 5 सितंबर मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ श्री महावीर स्वामी, श्री मुनीश्वर्त स्वामी, श्री घन्नाश शील भर्द तथा श्री गौतम आदि घनघारों के चरण है। दिगंबर शाखा का एक मंदिर है। इसी पर्वत पर 8वीं सदी का एक 24वीं मंदिर जमीन के खुदाई से पुरातत्व विभाग ने निकाला है। इसकी सभी प्रतिमाएं मनोविज्ञा और गुप्तकालीन थी। कई प्रतिमाओं पर लेख भी है। सप्तपर्णी गुफा के नाम से विख्यात एक गुफा इस पर्वत पर है जो इतिहास में रहणिया गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, मगर आजकल जनश्रुति के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद यहां प्रथम बौद्ध सभा लगी थी। राजगृह एवं बौद्ध धर्म। राजगृह बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था और यहां बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्य में बहुत वर्ष बिताए। यह स्थान उनके जीवन की अनेक घटनाओं और धर्म व्याख्यापन का केंद्र स्थल बना रहा। उन्होंने नगर के भिन्न भिन्न स्थानों में निवास किया, परंतु उनका प्रियतम स्थान गृतकुट गीधों की चोटी था। वे इस नगर और इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बड़े अनुरागी थे।
इस विषय में उनके भाव उनके अपने शब्दों में पाली साहित्य में इस प्रकार है। रमणिक है राजगृह, रमणिक है गृतकुट, रम्य है गौतम, न्याग्रोध मनोहर है, चौर प्रताप रम्य है, वैभार गिरी का सप्तवर्णी गुफा रम्य है, ऋषि हरिगिरी की काला शीला रम्य है, सितवन का सर्प शौडिंग प्राराभार रमणिक है, तपोदराम अभिराय है, वेणुबन का कलकंदक हृदय आनंदकार है, जीबक का आम्र वन और रम्य है, भगवान बुद्ध के समय यह सुगंधित बांसों का वन था। कहते हैं राजा बिम्बिसार ने इसे भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया था। अपने परम शिष्य शरीपुत्र एवं महोभोगदलायने को भगवान बुद्ध ने यही दीक्षा दी थी। बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा संरक्षित यह आज भी पर्यटकों के लिए सुरमय बना है। तालाब के पश्चिम में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, जो कुछ वर्ष पूर्व यहाँ मिली थी। करंद निवास बेनुवन के मध्य में अवस्थित तालाब को करंद निवास बताया गया है। भगवान बुद्ध इसी में स्नान करते थे। श्री पुत्र एवं महाभोगदलायने के स्थित अवशेष सर्वप्रथम यही एकत्र किए जाने का उल्लेख मिलता है। महावीर चरण चौरा, यह वेणुबन के पूर्व एक वर्तमान जापानी मंदिर के पश्चिम एवं पटना गया के मुख्य मार्ग पर अवस्थित है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने लोक कल्याणार्थ विपुलाचल पर्वत पर अपना उपदेश देने के उपरांत अपने शिष्यों के साथ इसी स्थान पर विश्राम किया था। आज भी इस स्थान पर जैन दिगंबर शाखा की ओर से दीपावली के अवसर पर रथ यात्रा का समारोह आयोजित किया जाता है। बैभार पहाड़ पर पत्थर की पीपला गुफा, बैभार पहाड़ी के उत्तर पूर्वी कोने के ढलान और गर्म सेतु के सात धारा नामक समूह से ऊपर एक पत्थर का भवन है, जिसको वहां के लोग मचान या जरासंध की बैठक कहते हैं। इसको पीपला का निवास माना गया है। मुख्य कक्ष तथा इन कोठरियों की दीवार मूर्तियां रहने के आले बने हैं। अब तो अधिकतर मूर्तियां नहीं, जो बची है उनमें महावीर स्वामी की एक सुंदर मूर्ति है, जिसकी 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक लेख खुदा हुआ है, जो साफना व्यवहार पहाड़ी पर जैन अवशेष प्राचीन है। यह केवल खुद लेखक प्रतीत नहीं होता, वरन हॉर्न सॉन्ग के लेखों से भी उसके अन वहां दिगंबर तपस्वी बड़ी संख्या में विचरते रहते हैं। महादेव मंदिर, जैन मंदिर से कुछ गज दक्षिण की तरह एक भग्न शिव मंदिर है। इसमें एक छोटा सा मूर्ति है, कच्छ है, जो अंदर से लगभग 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। उस कच्छ की छत सपाट है और एक छोटा शिवलिंग यह मंदिर राजा जरासंध ने बनाया था। मनियार मठ, जैन इतिहास में इसे रानी चेलना और शलिभद्र का निर्माण कहा गया है, किंतु आजकल यह स्थान मनियार मठ के नाम से विख्यात है। महाभारत में उल्लेख है कि राजगृह मणिनाग का धाम था और ऐसा अनुमान है कि मनियार मठ इसी स्थान पर प्रतीक है, क्योंकि खुदाई में भारी संख्या मैनाग नागनियों की मूर्तियां मिली थी। सन 1861-62 में एक निर्धन ने मठ के पास एक गड्ढा खुदवाया और ऊपरी भाग को कोई हानि पहुंचाए बिना ही वह 21 फीट की गहराई तक उस गड्ढे में उतरा, जहां उसे 19 फीट की गहराई पर तीन छोटी छोटी मूर्तियां मिली। एक मूर्ति पलंग पर लेटी हुई माया की, जिसके ऊपर की ओर तपस्वी बुद्ध चित्र थे। दूसरी मूर्ति परशवनाथ की खड़ी मुद्रा में एक साथ फने सांप के साथ ही। तीसरी इतनी खराब थी कि उसको पहचानना मुश्किल था।
1905-6 में भी लाजार टीले को और खुदवाया। ऊपर के जैन मंदिर को गिराकर विशाल ईंट की इमारत मिली, जिसका निचली तक अच्छी हालत में पाए गए, सुंदर चित्रों से विभूषित था। मूर्तियां लगभग 2 फुट ऊंची थी, उनमें एक फूलमाला से भूमित शिवलिंग, दूसरे में मुकुटधारी चतुर्भुज विष्णु, जिसके ऊपर के हाथ टूटे हुए थे। सांप के फनों के साए में 5 नाग और नागिने, चट्टान पर बैठे हुए गणेश जिसके शरीर से सांप लिपटे हुए थे, नृत्य मुद्रा में 6 भुजाओं वाला शिव, बंधवाड़ और गेहूवन सफेदियों की 5 मूर्तियां भी थी। इन मूर्तियों की कला और शिल्प से पता लगता है कि वे गुप्त काल की बनी हुई थी। यह निश्चित ही उस स्थान पर बनी इमारतें भिन्न भिन्न समय की बनी इमारतों का समूह है, और उन सब में जैन मंदिर बाद का बना हुआ है। मनियार मठ पर और उसके आसपास बिखरे पड़े बहुत से मिट्टी के बर्तने पाए गए, जिनमें कुछ 4 फुट के लगभग ऊंचे थे। उन बर्तनों की एक विशेषता यह थी कि वे टोटीदार थे, उसमें कुछ टोटियां सांप के फन जैसी शक्ल थी। सोन भंडार गुफाएं। मनियार मठ से उत्तर पश्चिम को जाते हुए सड़क व्यवहार पहाड़ी के दक्षिणी भाग में काटकर बनाई हुई 2 गुफाओं पर पहुंचती है। गुफा की छत बिल्कुल गिर गई है और दूसरी छत और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। दोनों गुफाओं के तल भी भिन्न है। गतिविधियों के अनुसार यह राजा भूमिशार का कोषागार था। अन्य इतिहासकारों का मत है कि यह जैन मुनियों का सपना गृह था। इसमें जैन मूर्तियां भी पाई गई है। इनकी दीवारों पर शंखलिपि एक जैन मूर्तियां भी अंकित है। प्राचीन मूर्तियां नालंदा स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है। अब बढ़ते हैं रणभूमि की तरफ। महाभारत काल में भीम तथा जरासंध का मल्लयुद्ध यहां हुआ था, इसलिए लोग इसे जरासंध का अखाड़ा भी कहते हैं। यह स्वर्ण भंडार के पश्चिम दक्षिण में कुछ ही दूरी पर है, और बेमिसार जेल मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर मनियार मठ से लगभग किलोमीटर की दूरी पर पत्थर की दीवार से घिरा एक 200 फीट लंबा और उतना ही चौड़ा स्थान है। अजात शत्रु ने बिमिशार के यहां बंदी बनाकर रखा था, इसको ही वह स्थान माना गया है। कहा जाता है कि अपने इस कैद खाने से बिमिशार गृतकुट पर बुद्ध को देख सकता था। इस स्थान की अशिंग सफाई होने पर कुछ पत्थर की कोठरियां मिली, जिनमें से एक में एक लोहे का कड़ा मिला, जिसके एक ओर एक फंदा था। शायद यह कैदियों के हाथ बांधने के काम आता रहा हो। अब चलते हैं रज्जू मार्ग एरियल रोपवे। शांति स्पूत तक सर्व साधारण को सुविधा पूर्वक एवं तत्क्षण पहुंचने के क्रम में रज्जू मार्ग झूला का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 2200 फीट है। इसमें 114 कुर्सियां लगाई गई है। यह झूला भारत में अपने ढंग का अनूठा और मानव यात्रा को चढ़ाने के लिए भारत का सर्वप्रथम प्रयोग है। ऊपर जाने के लिए केवल 7.5 मील लगते हैं। हर बृहस्पतिवार को झूला बंद रहता है। आजकल यह राजगीर का मुख्य आकर्षक केंद्र है। अब बढ़ते हैं आगे। कुंड गर्म जल के झरने। राजगीर का एक और मुख्य आकर्षण केंद्र गर्म जल के झरने हैं, जिन्हें कुंड कहा जाता है। पाली साहित्य में इनका नाम तपोदाराम महाविहार बताया गया। वैसे तो बामन कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसमें 22 कुंड गर्म जल के हैं, जिसमें सप्तधारा, ब्रह्मा कुंड तथा सूर्य कुंड बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्रह्मा तथा सतधारा कुंड व्यवहार गिरी की तलहटी में है, और सूर्य कुंड मखदुम कुंड आदि विपलाचल पर्वत की तलहटी में है। मखदुम कुंड प्राचीन नाम सिंह ऋषि कुंड है। कुंड पर अनेक मंदिर हैं। प्राचीन काल से ही इन स्रोतों के पानी पवित्र और प्रकृति की देन माने गए हैं।
औषधि युक्त पानी बहुत रोग नाशक है। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता लगा है कि इन अस्त्रों का पानी रेडियो मिश्रित है। गठिया आदि रोगों से पीड़ित मनुष्य को इन सांतों में नहाने से बहुत लाभ पहुंचता है। बाबा मखदूम शाह शरफुद्दीन का जन्म पटना जिले में पटना जिले के मनेर शरीफ में हुआ था। उन्होंने 13वीं सदी में राजगीर के जंगलों में 12 वर्ष गुजारे थे। ऊपर के एक धीरे स्थान की एक छोटी सी गुफा में बाबा मखदूम शाह ध्यान करते थे। राजा जरासंध शक्तिशाली कहलाता था। एक बार जरासंध ने बाबा मखदूम शाह पर एक पहाड़ नुमा पत्थर फेंका, लिहाजा वो पत्थर बीच में ही रुक गया। तब से वो जगह मखदूम कुंड से विख्यात हो गया।